अजमेर की दो लड़कियों ने अपने परिवार वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। दरअसल ये दोनों शादी कर अपना घर बसाना चाहते हैं। इनका कहना है कि वह 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में थी और इसी दौरान उन्हें प्यार हो गया और अब वह दोनों अपने परिवार से दूर रहकर अपना घर बसाना चाहती हैं। क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम 4 साल से एक साथ हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों एक साथ हैं। लेकिन उनके परिवार वाले तो मना कर रहे। नहीं, मेरे घर वाले ने हाँ कर दी। बोलो। मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, कहा कि घर आ जाओ तुम। लेकिन जब मैंने हमारे माँ बाप छोड़ दिए तो इसको भी इसके माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे। फिर क्या करोगे आप? कोई बात, हम एक साथ रह लेंगे। कहीं जब इसके माँ बाप रो रहे हैं तो भी इसने छोड़ना है इसके माँ बाप, तो मेरे को भी छोड़ना तो पड़ेंगे ही ना। अब मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती। मैंने वादा करा इससे कि नहीं मैं छोड़ूंगी इसको, तो मैं नहीं छोड़ सकती इसको। दोनों लड़कियों का कहना है कि वह पहले एक दोस्त की तरह पेश आती थी और परिवार की बंदिशों के कारण वह छिप छिप कर मिला करती थी। अब प्यार इतना बढ़ चुका है कि वह एक पल भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। देखिए, दो लड़कियों का परिवार हमें प्राप्त हुआ है। हमने इनको जरिए टेलीफोन बुलाया थाने पे। दोनों ही बालिग हैं और दोनों ही घर पे नहीं रहना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं। तो हमने इनके माँ बाप को बुला करके उनसे समझाइश की है। एक ने आरोप लगाया कि भाई मारपीट करते हैं, तो ऐसा पिताजी ने उनका नहीं बोला है कि वो मेरे साथ कोई मारपीट नहीं करते हैं। तो अब दोनों बालक हैं तो दोनों अलग रहना चाहती हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी परेशानी नहीं है, माँ बाप को भी दिक्कत नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2018 में एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि आपसी सहमति से दो समलैंगिकों के बीच बनाए गए संबंध को आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, लेकिन भारतीय समाज में इसे आज भी एक अपराध माना जाता है और परिवार इस तरह के संबंधों के सख्त खिलाफ रहते हैं। ऐसे में इन दोनों लड़कियों को इनका परिवार क्या अपना पाएगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ डेस्क।